हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा फॉर आईक्यू। आपका अपने चैनल में आपका स्वागत है। अब देखिए, मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था सीबीएसई के नोटिफिकेशन के बारे में। मैंने बताया था 10th क्लास के बोर्ड 2021 के बारे में, ठीक है। मैंने उसके बारे में कल बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके 10th के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लीजिएगा। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताया हूँ 10th के बोर्ड के बारे में जो 2021 में होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न होगा, पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं, क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा, किस मंथ में एग्जाम होगा, टोटली उसमें मैंने बता दिया है। मैं उस वीडियो में बोला था कि मैं 10th का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मैं आज स्टार्ट कर चुका हूँ। वो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, मेरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो आर एस सवाल के चैप्टर 10th में है और एनसीईआरटी के चैप्टर 8 में है, ठीक है। तो मैं दोनों पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी आप बनाइएगा, आर एस सवाल मैं पढ़ाऊंगा। जो डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ है, उसमें आप अपना डाउट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, पहला चैप्टर है मेरा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्द से बना है, तीन ग्रीक वर्ड को मिलाकर ये बनाया गया है, जिसका नाम पड़ा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रीक वर्ड है, थ्री ग्रीक वर्ड। कौन कौन से ग्रीक वर्ड है, तो देखिए पहला ग्रीक वर्ड है उसका नाम है ट्राई, दूसरा ग्रीक वर्ड है उसका नाम है गोनू, और तीसरा ग्रीक वर्ड है उसका नाम है मेट्री। देखिए तीनों का मतलब क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री बोलते किसको है, यह आप आसानी से समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ठीक है। और हम भूलने भी नहीं देंगे, इस ढंग से बताएंगे कि आपको भूलने भी नहीं देंगे, आप भूलिएगा नहीं, चाह कर भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन से वर्ड से फॉर्मेशन इसका हुआ है। तो ट्राई मींस क्या होता है, तो ट्राई मींस होता है तीन, मतलब कि थ्री, ठीक है, थ्री। गोनो मींस क्या होता है, तो गोनो ग्रीक वर्ड में है, लेकिन आपका इंग्लिश वर्ड में उसी को बोलते हैं एंगल, एंगल्स, एंगल्स बोले तो कोन, हिंदी में बोलते हैं कोन। और मेट्रिक मींस होता है मेजरमेंट, ये ग्रीक वर्ड इंग्लिश में मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। मतलब इसका कहने का सेंस क्या हुआ, थ्री एंगल्स मेजरमेंट, मतलब कि जो तीन एंगल्स मींस क्या हो गया, तीन एंगल्स, उसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो बचपन में पढ़े होंगे ट्रायंगल, उसी में ने रहता है तीन एंगल, उसी में ने रहता है तीन एंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल को ही बोलते हैं थ्री एंगल्स, आ गया समझ में। अब मेजरमेंट, जो ट्रायंगल के तीन एंगल को मेजर करे उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर। अब जिंदगी भर भूलिए, भूल कर दिखाइए, जिंदगी भर में भूलिएगा ट्रिग्नोमेट्री का डिफाइन, किसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री, थ्री एंगल्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका तीन एंगल का मेजर करे उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसका डिफाइन देखिए, देख लीजिए, इसका डिफाइन है ट्रिगोनोमेट्री मींस मेजर ऑफ थ्री एंगल, थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसी बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब जिंदगी भर में भूल पाइएगा ट्रिग्नोमेट्री। इसके आगे भी मैं जो पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में आपका क्लियर कर दूंगा किसको क्या बोलते हैं, कौन से फॉर्मूला इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है। और देखिए आपका यहाँ पर टॉपिक जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं टोटल देखिए लिखा हूँ, ठीक है, इतना टॉपिक आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। पहला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, तीसरा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, चौथा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैं बारी बारी से सबको क्लियर कर इंट्रोडक्शन दे देकर इतना बारीकी से पढ़ाऊंगा कि आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी क्या, आप आर डी शर्मा भी बनाने लगोगे, आर डी शर्मा क्या दुनिया का कोई बुक भी आपको उठा के दे देगा कि क्वेश्चन बनाओ ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप भूलिएगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और हम छूटने भी नहीं देंगे,
ठीक है, ये सब जो मैंने लिखा था वो कॉपी में नहीं नोट करना है, कॉपी में एक ही चीज नोट करना है, वो है इसका डिफाइन, बाकी सब दिमाग में नोट करना है। दिमाग में नोट दीजिएगा तो आपका एग्जाम में नोट होगा अच्छी ढंग से। एग्जाम में जब नोट हुआ तो आपका मार्क्स 100 का नोट जैसा 100 आएगा। देखिए 100 लाने के लिए सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखना नहीं है, अपनी मेहनत करना है, खुद ब खुद मेहनत करना है। मैथ है प्रैक्टिस करने का चीज, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छे से आपको आएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए 2-3 बार, ठीक है, जब तक क्लियर डाउट नहीं हो तब तक वीडियो देखिए, वीडियो देखिए, उसके बाद अपने से प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर 100 out of 100 आएगा ही। कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको 100 out of 100 लाने से रोक सकता है, ये मेरा चैलेंज है। सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए डेली 2 घंटा में, 2 घंटा में जो भी क्लास 10th 2021 बोर्ड देने वाले हैं वो 2 घंटा डेली आज से शुरू कर दीजिए मैथ पढ़ना मेरे वीडियो के साथ, आपका 90+ आएगा ही। बस 2 घंटा डेली, एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए, संडे रहे, फेस्टिवल रहे, कोई चीज रहे, मैथ नहीं छूटना चाहिए, 2 घंटा आपको टाइम निकालना ही है, ठीक है। देखिए सिलेबस की बात की, सर ये सिलेबस में होगा जो चेंज सिलेबस होगा तो उसमें ये होगा ट्रिग्नोमेट्री, इसको होना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको होना ही है। सीबीएसई ने अभी जारी नहीं किया है कि सिलेबस क्या होगा 2021 का, लेकिन चेंज होगा, एक कंफर्म है कि चेंज होगा। 2020 बोर्ड था उसका रिजल्ट देने के बाद आपका टोटल सिलेबस पैटर्न टोटल चीज आपका जारी करेगा 2021 के बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो घबराइए मत, ये चैप्टर होगा ही कंफर्म, मान के चलिए, यहाँ देखिए और पढ़िए और अपने प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसका डिफाइन तो आ गया समझ में, द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगला देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिग रेशियो क्या है, इसमें बहुत सारे फार्मूला है, ठीक है, बहुत सारे फार्मूला है जिसको मैं बारीक बारीक से बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं टोटल टॉपिक क्लियर करता जाऊंगा चैप्टर के साथ, एक टॉपिक क्लियर, एक चैप्टर क्लियर, जिसके साथ जो सा टॉपिक वो चैप्टर क्लियर, ठीक है, तो टॉपिक के साथ मैं चैप्टर भी क्लियर करता जाऊंगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, बट राइट एंगल भी होना चाहिए, एक भी बात है राइट एंगल होना चाहिए, इस केस में हाइट एंड डिस्टेंस के केस में राइट एंगल होना जरूरी है। देखिए ट्रायंगल का नेमिंग करते हैं ए बी सी, अब देखिए यहां दे दिए एंगल थीटा, ठीक है, थीटा एंगल दे दिए, अब देखिए थीटा एंगल दे दिए, अब देखिए ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल नाम क्या है ए बी सी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस इसमें एक चैप्टर है, तो छत के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आप खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो नीचे एक बच्चा जा रहा है, वो वहां खड़ा होकर आपको देख रहा है, तो अब बताइए वो बच्चा आपसे कितने डिग्री पर खड़ी है और आपके और उसके बीच में कितना डिस्टेंस का डिफरेंस है, टोटल चीज निकाल सकते हैं बारीकी से। जैसे आप घूमने गए गुजरात, ठीक है, गुजरात मतलब मोदी जी का शहर, आप घूमने गए तो वहां देखे सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बना हुआ है, बहुत ऊंचा बना हुआ है, तो आप उसको देखें खड़े होकर नीचे से, ठीक है, नीचे से खड़े होकर देखें तो देखें क्या, तब आपको कोई पूछा कि बताओ वो जो मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बना हुआ है उसके हाइट से तुम्हारे हाइट के बीच कितना डिस्टेंस है और क्या एंगल बन रहा है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े रहेंगे आप निकाल के तुरंत उसको बोल सकते हैं कि इतना एंगल है, मैं उनके हाइट से इतना डिफरेंस पे खड़ा हूँ, हाइट से अगर ए डिस्टेंस पूछ उनसे कितने दूर आप खड़े हैं तो ये भी बता सकते हैं आसानी से। एक सीढ़ी दीवार पे खड़ी है, ठीक है, पहला एक और एग्जाम्पल दिया, एक सीढ़ी दीवार पे खड़ी है तो बताइए वो कितने एंगल बना के खड़ी है दीवार पे, उसका एंगल क्या है, ठीक है, तो भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। बस उसके लिए एक ही चीज पढ़ना है, वो क्या है, वो है मेरा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े रहिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका जो यूज है 11th में भी है, 12th में भी है, फिजिक्स में भी है, हर एक चीज में यूज है, सो इसको पढ़ना जरूरी है, ये सिलेबस में रहेगा भी, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, जो एंगल्स के सामने होता है, जो एंगल्स के सामने होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या इसी को बोलते हैं हाइट, ठीक है।
जो बेस होता है, बेस 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 माने आधार, जो बेस होता है उसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर के बीच में दोनों को मिलाता है, ठीक है, दोनों को जो मिलाता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, जो दोनों को मिलाता है, जैसे एक सीढ़ी और उसका बेस मतलब कि भूमि, एक दीवार और भूमि दोनों को मिलाता है, वो सीढ़ी है तो वो क्या है, वो मेरा हाइपोटेनस है, ठीक है। जो एक हाइट और बेस को मिला है वो मेरा होता है हाइपोटेनस, और जो एंगल के सामने हो वो होता है परपेंडिकुलर। कन्फर्म, क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसका डिनोशन होता है पी, मतलब क्या बोले, पी मीन्स होता है परपेंडिकुलर, या इसको हाइट भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। उसके बाद मेरा रहा बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस मतलब आधार, इसका भी आधार है, आपका भी बेस अच्छा होना चाहिए, बेस अच्छा रहेगा तो मकान अच्छा होगा, मतलब आपका बेस ही अगर अच्छा रहेगा ना तो आपका एग्जाम अच्छा होगा, एग्जाम अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा, इसलिए बेसिक, सबसे पहले बेसिक पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला आता है, ये तीनों को निकालने के, एंगल को भी निकालने के, क्या होता है, देखिए छह टर्म होता है, कितने टर्म होता है, छह टर्म, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, छह टर्म है, आइडेंटिटी टर्म है छह, ठीक है। इसको निकालने के लिए परपेंडिकुलर को, बेस को और हाइट, ठीक है। तो क्या क्या इसका रूल होता है, क्या क्या फॉर्मूला, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिक और याद करने का तरीका जिंदगी भर में बोलिएगा, देख लीजिए, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका देखिए क्या है, वो मेरे इंडिया को भी आगे बढ़ाता है, वही तरीका है, देखिए क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या हुआ इसका मतलब, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, देखिए इसमें डिनोट आ रहा है पी, इसमें बी, इसमें पी, इसमें एच, इसमें एच, इसमें बी, ठीक है, क्लियर। इसको याद रखना है तो याद रहेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है जो मेरे कंट्री को आगे बढ़ा रहे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा, इसको याद रखिएगा, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये लिख दीजिएगा। ये देखिए क्या हुआ, ये हो गया मेरा साइन थीटा, ये हो गया मेरा कॉस थीटा, ये हो गया मेरा टैन थीटा, क्लियर तीनों। अब देखिए ये तीनों को पता हो गया, तो देखिए साइन थीटा का कोई हो गया कोसेक थीटा, कॉस थीटा का कोई हो गया सेक थीटा, टैन थीटा का कोई हो गया कॉट थीटा, क्लियर। देख लीजिए पी बाई एच एच बाई पी, सॉरी गलती से लिखा गया था, बी बाई एच एच बाई बी, ठीक है, बी बाई एच एच बाई बी, पी बाई बी, बी बाई पी, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट, ठीक है, क्लियर, ठीक। ये ट्रिक्स याद रखे, या फिर एक ट्रिक और है वो बताऊंगा मैं, देखिए वो ट्रिक क्या है, पंडित जी बोले पड़ियान जी से हरे हरे बोल, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, आज हो गया इंट्रोडक्शन, और इसका बाकी कुछ टॉपिक उसको क्लियर कर देंगे, कुछ फॉर्मूला बाकी उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, जय हिंद।